राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर रसोई शुद्ध हो और रसोई बनाने वाला अवैष्णव हो तो क्या हम भोग लगाकर पा सकते हैं? अब दशा है कि वैष्णव के हाथ का ही कहे तो बहुत ही कठिनता पड़ जाएगी। समय ऐसा है नहीं, तो शास्त्रीय आदेश तो यही है, अधिक्षित पुरुष के हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता। जो हमारी वैष्णव पद्धति है उसमें जो दीक्षा लिए नहीं है उसके हाथ का पानी में, चतुर्भुज दास जी तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। अगर वैष्णव नहीं उस गांव में तो गांव का पानी नहीं पीते थे, कि भगवान से विमुख ये गांव एक भी दीक्षा नहीं लिए है तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। पर अब युग धर्म के अनुसार इतना है कि यदि पवित्रता से पवित्र हार मिल जाए तो अपने ठाकुर को भोग लगाकर जय जयकार करके पाले, नहीं तो असंभव सा है कि अब कहाँ वैष्णव घर मिलते हैं जिनमें भिक्षा मिले, बड़ा विचित्र है। देखो आजकल शराब तो ऐसे चल गई है कि मतलब जैसे मीठा शरबत आदि हर घर में स्वागत में ऐसे दिया जाता था ना, जैसे शरबत आदि बना के, तो अब स्वागत ही शराब का रह गया है। खाने के लिए अभक्ष पदार्थ और पीने के लिए अपेय पदार्थ, बहुत मुश्किल है कलयुग। इसीलिए कह रहे युग धर्म निषेध हो जाना चाहिए, हमारे ब्रज 84 कोष में कहीं भी ये ना बिकना चाहिए और ना किसी को पाना चाहिए। ये परम पावन भूमि प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि, भगवान की अवतार भूमि है, दिव्य लीलाएं हैं। पर इसीलिए कहते हैं कि अब इतना भर हो जाए कि भाई कोई पवित्रता से बना के भोजन दे दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब भिक्षा मांगने में रुचि नहीं रह गई, जैसे पहले बड़े आदर से भिक्षा मांगते थे, गर्व पूर्वक भिक्षा मांगते थे। अब संशय है कि हम जिसके घर में ले रहे पता नहीं मांस बनाया है कि नहीं बनाया है, क्योंकि सब जगह मदिरा का प्रवेश हो रहा है, सब जगह अंडा आदि का प्रवेश हो, तो बुद्धि तो अब बहुत मुश्किल है कि पवित्र घर कौन है, कहाँ से पवित्र भिक्षा ली जाए। इसीलिए ये कि आकाश वृत्ति से जो आ जाए पवित्रता से बना के भोग लगाओ, भजन करो। अब समय नहीं रह गया कि हम गली गली माधुकरी वृत्ति, क्योंकि समय बहुत गड़बड़ हो गया है, समय का प्रभाव होता है। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि पवित्र रसोई में भोजन मिल जाए, नहीं तो रसोई पवित्र होना बड़ा मुश्किल रह गया। आजकल लोगों को अमनिया और प्रसादी का ज्ञान नहीं, अमनिया अच्छा आप बताओ वो सौंच बनी है ना, वो कुर्सी वाली, उसी में बैठ के लघुशंका हुए और उसी वो ऐसे ही चले गए रसोई में, वही सब कपड़े जो सौंच को स्पर्श किए लेटरिंग को, वो सब अपवित्र रह गए हैं। तो पवित्रता तो बड़ा मुश्किल है कि हमें ठाकुर के लिए भोग अपने हाथ से बना के मिल जाए तो बात अलग, नहीं तो कोई वैष्णव बनावे तो भले उसे प्रसादी अमनिया अपवित्रता अपवित्रता का ज्ञान हो, नहीं आजकल कोई ज्ञान नहीं है। भगत कहलाते हैं और उसी सीट पे लघुशंका किए वो धान धोए चल दिए और पूरे सब कपड़े अपवित्र हो गए, अब वो जहां जहां छूओगे सब अपवित्र हो जाएगा। मर्जी कल को आए तो कह रहे थे कि कहते हैं ऐसा अगर हम ज्यादा वो करते हैं तो लोग कहते हैं ज्यादा बड़ा बन रहा है, ये क्या तरीका है? वो उल्टा उन्हीं को, क्योंकि भाई जब 100 गंदे रहेंगे और एक आप अच्छे रहोगे तो तुमको गंदे बनाएंगे ना, एक काय को अच्छे रहने देंगे। तो जरूरत ये हिम्मत करने की है कि 100 गंदों की बात हमें नहीं माननी, हमको अच्छे पवित्र रहना है। तो ये जरूरी है कि 100 भजन ना करे, 100 गलत चले तो एक वो जो भजन कर रहा है वो गलत चले, ऐसा नहीं है। तो बहुत कठिन है वैष्णवता और बहुत कठिन है पवित्रता। हाँ सही भोजन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा मनावे और भोग लगावे और पाले।